मुझे मतलब बेहोशी में ये हो रहा है कि मैं जैसे पहाड़ों के ऊपर या पता नहीं ऐसे कि किसी दूसरी दुनिया में चले गई हूँ। तो बस मुझे इनकी आवाज़ें आ रही थी कि बेटी भी है और इस सब बातें कर रहे थे, तो मुझे मैं बार बार उनको कह भी रही थी क्या हुआ, जो मैं होश में आ रही थी। और यहाँ पे मैं अल्लाह का नाम ले रही थी या अपनी अम्मी का या यासिन का। सी सेक्शन हुआ था, इसमें उन्होंने मुझे फर्स्ट एड लिक्विड तो लेने नहीं दिया। सेकेंड डे जो है ना उन्होंने मुझे कहा कि लिक्विड ले सकते हैं, थर्ड डे आप नरम गुजा लेंगे। लेकिन फर्स्ट डे मेरा इतना बुरा गुजरा, मैं सारी रात बोलूँ मुझे पानी दे दूँ मुझे पानी दे दूँ, लेकिन वो कहें कि आपको ड्रिप्स वगैरह लगी हुई हैं, आपने इसी पे गुजारा करना है, आपने कुछ नहीं लेना, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना। ऑपरेशन से दूसरा दिन था ना, उस दिन उन्होंने मुझे कहा था कि आपने उठ के चलना है, फर्स्ट वॉक जो होती है ऑपरेशन के बाद। जी तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू वजनतुल हलाल व रज़क़ुल हराम। क्या हाल है वर्ल्ड? ठीक हैं, खुश हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। सो वर्ल्ड, सबसे पहले तो भाई जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा भाई किचन से आ रही हैं बहुत मज़ेदार सी खुशबुएँ, यू नो खुशबुएँ, तो जाके देखते हैं भाई किचन में क्या बन रहा है। ठीक है, तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू, आके देखते हैं कि क्या बन रहा है। ओए होए 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 भाई, मुझे खुशबुएं, यू नो खुशबुएं इस वजह से आ रही थी कि भाई यहाँ बन रहा है क्या बन रहा है, चने चिकन। और भाई यहाँ बना है मज़ेदार सा पास्ता भाई, वाह 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 वाह। और भाई ये मेरा ना मोस्ट फेवरेट है, और किस किस का फेवरेट है भाई ज़रूर बताना। सही है, आपको भी आ रही है ना व्यूअर्स खुशबू? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हो मेरा? ठीक हो? ये देखें भाई मेरे हाथ की शर्ट पे क्या लिखा है, एवरी डे आई लव यू। और ये देखें भाई मैं मेरे हाथ के लिए क्या लेके आया हूँ। माँ जी इसको क्या कहते हैं, नज़र पट्टू? नज़र पट्टू, नज़र नहीं लगती, नज़र नहीं लगती, चूड़ी पहनाने से कोई भी चीज़। जी जी, मुझे व्यूअर का भी कमेंट आया था कि यासिन भाई मेरे हाथ को ना ब्लैक चूड़ियाँ लेके देना। सही है, ये देखें भाई व्यूअर मैंने ये ले दी है, गुड हो गया ना। चलो भाई बाय बाय कर दो, बाय बाय। कि आप लोग सब ठीक होंगे और आपके गाँव से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरी बेटी भी ठीक है और यासिन भी ठीक है। मैं यासिन की वाइफ हूँ, आप मुझे जानते ही हैं रिदा। तो मैं जानती हूँ कि यासिन के ज़्यादातर व्यूवर्स लेडीज़ हैं ना, तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि मैं आप सबके साथ अपनी सी सेक्शन की स्टोरी शेयर करूँ, एक्सपीरियंस शेयर करूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करना चाह रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा बहनें हैं मेरी जिनकी अभी डिलीवरी होने वाली होगी अभी, तो मैं चाह रही थी कि मैं उनको बताऊं कि अगर आपका नॉर्मल मुमकिन है तो आप नॉर्मल डिलीवरी करवाएं। ऑपरेशन का तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला था, फर्स्ट टाइम था मेरा, इसलिए मैं बहुत घबराई हुई थी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि अभी 9 मंथ स्टार्ट हुआ था मेरा, मुझे डॉक्टर ने डेट दी थी अगस्त में, लास्ट अगस्त की जो डेट थी ना 21st या 23rd, ये डेट्स दी हुई थी मुझे। तो क्या हुआ मेरे साथ कि अचानक सुबह मैं उठी हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब हुई तो मुझे सबने कहा कि फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाओ। तो मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे नहीं पता था कि मुझे एडमिट कर लेंगे। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा इस तरह मुझे ना सुबह मैं उठी हूँ। तो मॉर्निंग में मेरे साथ क्या हुआ कि मैं सुबह उठी हूँ, मेरा वाटर बैग जो है ना वो लीक कर गया। मुझे सब ने कहा, मेरी नंदों ने, जो यासिन की सिस्टर्स हैं मेरी नंदे हैं, वो उन्होंने मुझे कहा कि फ़ौरन से हॉस्पिटल जाओ। मुझे तो कोई इस बारे में अभी पता नहीं था, फर्स्ट टाइम है। तो मैं फ़ौरन से डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को चेकअप करवाया, उन्होंने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएँ। अल्ट्रासाउंड करवाया तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपके बच्चे का पानी जो है ना कम हो रहा है, तो आप फ़ौरन से एडमिट हो जाएँ। और साथ में उन्होंने मुझे कहा कि आपके बच्चे की पोजीशन ब्रीच है, तो इस वजह से ना आपका ऑपरेशन होगा। मैं तो फ़ौरन मतलब बहुत ज़्यादा घबरा गई, मैं रोती जाऊँ। मेरी जो नंद हैं, बड़ी नंद नौशीन आपी, वो मुझे लेबर रूम में लेके गई, वहाँ पे उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। मुझे कनोला वगैरह ड्रिप्स वगैरह लगाने लगे, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे साथ इतनी जल्दी इस तरह हो जाएगा। मुझे ये था कि अगस्त के लास्ट तक ना मुझे बताई गई डॉक्टर ने डेट्स। तो 9 मंथ के अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, तो बस अल्लाह की तरफ से मुझे वो मैं हॉस्पिटल एडमिट होगी और मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान ये हुआ कि मुझे कैनोला लगा, ड्रिप्स वगैरह लगी, उसकी मुझे बहुत पेन हुई। मैंने ज़िंदगी में कभी कैनोला नहीं लगवाया था, तो मैं बहुत रोई। मेरी तो कोई
तैयारी नहीं थी हॉस्पिटल की, पता मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी कि मैं हॉस्पिटल जाने से पहले बेबी का बैग रेडी करूँगी, अपना बैग रेडी करूँगी, लेकिन मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया हुआ था। अभी मैंने वो व्लॉग यहाँ से का बनवाया था जो जिसमें हमने बेबी की शॉपिंग दिखाई थी आपको। अभी हमने बेबी की शॉपिंग के बाद हमने बनाना था कि हॉस्पिटल बैग रेडी कैसे करना है, वो सारा मैंने आपके साथ शेयर करना था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैं ऐसे ही हॉस्पिटल चली गई और ना किसी की मदद, ये अपने मैंने ना इयररिंग्स, गोल्ड की चेन, कुछ भी नहीं उतारा हुआ था। रिंग्स वगैरह भी मैंने पहनी नहीं थी। हॉस्पिटल के जब मुझे एडमिट किया, ड्रिप्स वगैरह लगाई, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने तो गोल्ड की अपनी चीज़ें उतारी नहीं हुई, वो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने से पहले वो सारा कुछ आपका ज्वेलरी वगैरह उतार देते हैं, ताकि बेहोशी की हालत में कोई इधर उधर चीज़ होगी तो फिर आप इल्ज़ाम ना दें उनको। तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने तो अपनी गोल्ड की चीज़ें नहीं उतारी, नहीं ये उतारे। तो नौशीन आपकी थी, मेरी नन बड़ी, वो मेरे पास थी, मैंने उनको कहा कि आप ये उतार दें। तो उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड को बुलाएं, ये चीज़ें उनके हवाले करेंगे, ऐसे हम ही इनको देंगे। फिर मेरे हस्बैंड को बुलाया गया, जब यासिन मेरे सामने आए तो बस मैं नहीं कंट्रोल कर सकी, मैं इतना रोती जा रही थी। यासिन मुझे रिलैक्स कर रहे थे कि कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स रहो। तो मैं बस कह रही थी कि मेरे साथ ही चले ना, मतलब आप ऑपरेशन थिएटर में चले। तो मैं ना रोती जा रही थी। उस इधर मैं आपके साथ एक वो क्लिप शेयर कर दूंगी, उसमें आपको देख के पता चल जाएगा। फेस तो नहीं आया हुआ मेरा, लेकिन हाथ मैं ऐसे कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। बाद मुझे जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो वेटिंग के लिए उन्होंने मुझे कॉरिडोर में रखा। तो वहाँ पे मैं ऐसे लेटी हुई उस स्ट्रेचर पे, तो सामने एक विंडो थी, विंडो के अंदर से वो मुझे ना दूसरी तरफ भाई नज़र आए, भाई की शर्ट नज़र आई, रईस भाई की। तो बस मैं उनकी शर्ट देखी, फिर मैं ऊँची ऊँची रोने लग गई। वहाँ से एक डॉक्टर गुजर रही थी, वो मेरे पास आई तो कहती है क्या हुआ आपको, आपको कोई पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। मैंने कहा नहीं मुझे कोई पेन नहीं है अभी, लेकिन मैं ना बस वैसे डर रही हूँ। तो मेरे भाई भाई खड़े हैं, मुझे मतलब मेरा दिल कर रहा है बस अब अंदर आ जाए, मैं अकेली हूँ ना, तो मुझे ये कि अंदर आ जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में सब तो नहीं आ सकते ना, आप अकेले ही जाएंगे। फिर बस मैं उधर ही वेट करती रही, जब उन्होंने मुझे अंदर किया, वो जो पहले ऑपरेशन हो गया उसको मरीज को बाहर निकाला, तो मुझे अंदर लेके गए। अंदर लेके गए तो मैं तो देख के घबरा गई, सारा वो उनका सिस्टम, वो बड़ी सी लाइट जो है वो ऐसे उन्होंने मेरे ऊपर ला के ऑन कर दी, और मेरा ऐसे ध्यान पड़ा। तो साथ में ना एक ट्रे पड़ी हुई थी, उसके अंदर ना बड़ी बड़ी सीजर और इस तरह के औजार पड़े हुए थे, वही देख के ना मैं और ज़्यादा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। सब मुझे वहाँ पे कह रहे थे कि रिलैक्स रहो, तुम्हारा बीपी हाई कर हो जाएगा तो फिर नहीं, ये ठीक नहीं है, या लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा। तो मुझे पूछने लगे आपको शुगर तो नहीं है, तो अपनी तरफ से मुझे बातों में लगा रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान तो उधर ही था ना कि मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो मुझे कह रहे थे कि आपको पता है आपका बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, क्या है, मैं कह रही थी मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मुझे कह रही थी आज आप किस कलर के कपड़े लेके आई अपने बेबी के लिए, आप किस कलर के कपड़े पहनाएंगे आज अपने बच्चे को। तो मैंने कहा वाइट कलर का ड्रेस लिया है वो पहनाऊंगी। तो उसके अलावा उन्होंने मुझे बेहोश तो नहीं फुल किया, उन्होंने मुझे हाफ वो सुन मतलब मेरा जिस्म कर दिया नीचे वाला मतलब पार्ट ना, उन्होंने मुझे कमर में इंजेक्शन लगाया। तो मैं उनको बोलूँ कि मुझे सब कुछ पता चल रहा है, मुझे पेन होगी, मुझे पूरा फुल बेहोश करो, ऐसे मुझे सब पता चल रहा है। बल्कि मैं घर आके मुझे बहनों को बताया तो वो कह रही थी कि आपने नहीं कहना था, लेकिन मैंने कहा मैं कह रही थी मुझे बिल्कुल भी कुछ ना पता चले, मैं बिल्कुल बेहोश हो जाऊँ। तो उन्होंने तो मुझे बस नीचे वाला मेरा हिस्सा सुन किया था, लेकिन मैं उनको बोल के खुद ही मैंने ना उन्होंने मुझे यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, उसकी वजह से मैं फुल बेहोश हो गई। फिर नहीं मुझे पता चला मैं कहाँ पे हूँ या मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर बस तब होश आई है मुझे कि मैं ना ऐसे मुझे मतलब बेहोशी में ये हो रहा है कि मैं जैसे पहाड़ों के ऊपर या पता नहीं ऐसे कि किसी दूसरी दुनिया में चले गई हूँ। तो बस मुझे इनकी आवाज़ें आ रही थी कि बेटी भी है और इस सब बातें कर रहे थे, तो मुझे मैं बार बार उनको कह भी रही थी क्या हुआ, जो मैं होश में आ रही थी। और यहाँ पे मैं अल्लाह का नाम ले रही थी, या अपनी अम्मी का या यासिन का, इनको मैं आवाज़ें दे रही थी। तो फिर जब मैं सही से होश में आई, तो अब आपने सोचना है कि बेबी एकदम से मेरे पास कैसे आ गई है। तो वो ये रो रही थी तो इसलिए मैं उसको अपने पास ले आई हूँ। तो अब वो भी है,
अच्छा मैं काम पर पहुँची थी, हाँ मैं अम्मी को यासिन को आवाज़ें दे रही थी, अल्लाह ताला का नाम ले रही थी, तो फिर मुझे होश आई, तो जब मैं होश में आ रही थी तो फिर उन्होंने मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो मैं यासिन ने कहा कि वार्ड में नहीं रूम में शिफ्ट करें ताकि हम लोग सब ईजी होकर रिलैक्स होकर बैठ सकें। तो फिर हम लोगों को मुझे दोबारा से रूम में शिफ्ट किया। फिर वहाँ पर जब मैंने यासिन से मिली, सबसे मिली, मैं बहुत इमोशनल हो गई। सब मुझे कहें कि बहुत प्यारी बेटी भी है तुम्हारी। तो मैं बोलूँ कि किसकी तरह है, तो सब कहते हैं कि हमने बस एक झलक ही देखी है। उसके बाद वो नर्सरी में ले गए थे, तो नर्सरी में ले गए, उसके बाद उन्होंने रात को बहुत लेट जो है ना बेबी को हमें दिया। वो आपने यासिन के ब्लॉग में देखा ही होगा। तो इसके अलावा बस यही मैं बताना चाहूँगी कि बहुत मुश्किल, ये सी सेक्शन बहुत मुश्किल है। तो जब मुझे रूम में शिफ्ट किया तो सब फैमिली वाले आ गए मेरे थे, सबसे मैं मिली, तो अम्मी आई, अम्मी के साथ मैं बहुत इमोशनल हो गई गले लग के। तो बेबी मैं बार बार बोलूँ कि मुझे बेबी दिखा दें, बेबी दिखा दें, तो वो कहे कि ये तो नर्सरी में रखा है अभी बच्चे को, तो रात को लेट नाइट वो देंगे आपको। तो फिर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, तो सब कहेंगे, वो डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि पानी बिल्कुल भी नहीं देना, पहले दिन तो बिल्कुल भी लिक्विड भी नहीं लेना, फिर नेक्स्ट डे आप ना लिक्विड ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड डे उन्होंने कहा कि मुझे तो ये कि नॉर्मल हुआ होता तो उसमें ये खाने पीने का कोई परहेज नहीं बोलते, खाना वगैरह आप जो मर्जी आप खा सकते हैं। लेकिन उसी सेक्शन हुआ था इसमें उन्होंने मुझे फर्स्ट डे लिक्विड तो लेने नहीं दिया, सेकेंड डे जो है ना उन्होंने मुझे कहा कि लिक्विड ले सकते हैं, थर्ड डे आप नरम गजा लेंगे। लेकिन फर्स्ट डे मेरा इतना बुरा गुजरा, मैं सारी रात बोलूँ मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, लेकिन वो कहें कि आपको ड्रिप्स वगैरह लगी हुई हैं, आपने इसी पे गुजारा करना है, आपने कुछ नहीं लेना, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना। तो ये कि चीना भाजी थी वहाँ पे, लाइफ स्टाइल विद नरीन, वो मेरे पास रुकी थी मेरी नन, तो उन्होंने कहा कि उनको तरस आ गया मेरे पे, उन्होंने कहा कि नहीं देते, लेकिन जो है ना चलो मैं तुम्हारे तुम्हें थोड़ा सा ना घूंट दे देती हूँ। उन्होंने मुझे बॉटल की कैप जो होती है वो लेके उसमें बस थोड़ा सा पानी डाल के वो मेरे मुंह में उन्होंने डाला, उसी से मुझे वैसे बहुत सुकून आ गया। लेकिन मुझे गर्मी है ना, मुझे बहुत शदीद प्यास लगती थी। फिर मैंने बहुत मुश्किल से रात गुजारी, उसके बाद सेकंड डे उन्होंने मुझे लिक्विड वगैरह लेने को कहा, कावा पीने को कहा, तो वो मैं लेती रही। थर्ड डे फिर नरम गजा वगैरह मैंने ली। इसके अलावा जो ऑपरेशन से दूसरा दिन था ना, उस दिन उन्होंने मुझे कहा था कि आपने उठ के चलना है, फर्स्ट वॉक जो होती है ऑपरेशन के बाद उफल्ला, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी कि मुझे उन्होंने एक वहाँ पे वो जो आया थी वो उन्होंने मुझे उठाया एक साइड से, एक साइड से मुझे मोबाबा जी ने उठाया जो मेरी नान थे, वो मेरे पास रुकी हुई थी, उन्होंने मुझे उठाया। बहुत मुश्किल से मैं उठ के बैठी और कुछ कदम ही मैं चली तो मैं ना बेहोश होने लगी एकदम से, मैं गिरने लगी, मुझे फ़ौरन से चेयर पर बिठा दिया, मेरा कलर भी इतना येलो हो गया, होन भी वाइट हो गए, बिल्कुल मैं ना जान ही से निकल गई मेरी, हार्ट बीट इतनी तेज़ अजीब सी हालत हो गई थी। तो फ़ौरन से ना बुलाया नर्स को कि जल्दी से आओ, इसको पता नहीं क्या हो गया, मोबाइल वजी ने बुलाया, तो उन्होंने आके ना मुझे मेरे बेड पर वापस मुझे लिटा दिया और उन्होंने मुझे पानी थोड़ा सा पिलाया। इस तरह की मतलब कंडीशन होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अब आप थोड़ी देर तक रिलैक्स होती हैं तो फिर उठें और फिर चलें। मैं वो क्लिप ही ऐड कर दूँगी कि मैं यासिन के साथ कितनी मुश्किल से थोड़े से मैंने कदम चले। सो गाइस भाई, यहाँ वाइफ जी और मैं ना सुबह सुबह कर रहे हैं वॉक, ठीक है, क्योंकि जो डॉक्टर है ना उन्होंने बोला है कि भाई सुबह सुबह वॉक करें, तो इस वजह से आप जल्दी ठीक होंगे, आप वॉक करें। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो इस वजह से ना हम सुबह सुबह भाई बाहर वॉक कर रहे हैं और बादल बने हुए हैं भाई माशाल्लाह, अब देखते हैं बारिश आएगी आज के नहीं। सब चीज़ें देख के ना मैं मतलब बहुत तकलीफ़ मेरी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिनका नॉर्मल मुमकिन है वो नॉर्मल करवाएं ताकि ये वाली उनको तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं करनी पड़े, और जैसे मुझे वो एक दो दिन भूखा रहना पड़ा वो भी आपको नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उसके अलावा फिर यही मेरा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद घर आए, वेलकम बहुत अच्छा हुआ, और मैं बेड पे जैसे बैठी हूँ सब कह रहे हैं किस तरह से बैठ गया आप, किस तरह से आपका ऑपरेशन हुआ हुआ, लेकिन वो घर आई ना, घर आने की इतनी खुशी थी, हॉस्पिटल में मेरा इतना दिल तंग पड़ गया हुआ था कि मैं बस कह रही थी मुझे घर ले जाओ जल्दी से। तो घर आई खुशी में, फिर मुझे पता ही नहीं चला मैं किस तरह से बैठ गई, लेकिन मुझे बहुत पेन थी, ये नहीं है कि मुझे पेन नहीं थी, उस घड़ी जो है ना मेरी पेन ऐसे मुझे ख़त्म होगी जिस टाइम मैं मेरा के साथ सबके साथ फैमिली के साथ केक कट कर रही हूँ, बेड पे बैठी हुई हूँ, सब कह रहे थे ना किस तरह बैठ गई, बस वो खुशी में मुझे नहीं पता चला मैं उस तरह बैठ गई ना। तो बाद में फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी,
खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत बेहतर हूँ, लेकिन ये ज़ख्म जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता सही होगा, लेकिन अब मैं बहुत बेहतर हूँ पहले से। तो इसके अलावा आप सब पूछ रहे थे कि वो हॉस्पिटल कौन सा है, बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि ये कौन सा हॉस्पिटल है। तो ये हॉस्पिटल मिशन हॉस्पिटल है, पेरिस रोड पे है सियालकोट में, और ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है, अंग्रेज़ों के ज़माने का, बहुत कदीम ज़माने का है, लेकिन बहुत बेस्ट है, इधर के डॉक्टर बहुत काबिल हैं। तो इस हॉस्पिटल का नाम मिशन हॉस्पिटल है, ठीक है। तो आपने मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं की, अल्लाह ताला आपको जज़ा दें। मेरी तरफ से भी आप सबके लिए बहुत दुआएं, दिल से दुआएं निकलती हैं, अल्लाह ताला आप सबको भी औलाद की नेमत से नवाजे, आप सबके लिए भी हैर का टाइम लेके आए, जिनकी अभी डिलीवरी होने वाली है अल्लाह ताला उनको भी हैर से फ्री करें, उनको भी उनके बच्चे हैर से इस दुनिया में आए। तो बस फिर मेरा यही एक्सपीरियंस था, मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहती थी। तो आप सब अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।